गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर मनन आनंद हूँ, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आपको आज मैं कुछ ब्लड प्रेशर यानी के हार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में, ब्लड प्रेशर जिसको कि साइलेंट किलर माना जाता है, उसके बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, ये एक इस तरह का प्रेशर है जो कि जनरेट होता है जबकि जो खून है हमारे नाड़ियों के अंदर चलता है। जनरली ये माना जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है जितना ज़्यादा होएगा उससे ज़्यादा फोर्स से ब्लड जो है वो नाड़ियों के अंदर चलेगा और नाड़ियों को डैमेज करेगा। ये बिल्कुल सही है। ब्लड प्रेशर के ना गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस का मतलब है कि कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, कितना ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल है, कितने ब्लड प्रेशर पर आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए। एक आम आदमी के लिए अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर किसी को कंसल्ट करना चाहिए, अपनी ब्लड प्रेशर की रोज़ाना जांच करानी चाहिए, दवाई लेनी चाहिए, अपने लाइफस्टाइल चेंज करने चाहिए और ब्लड प्रेशर के कारण जो बीमारियां हैं उससे बचना चाहिए। केवल एक ब्लड प्रेशर एक बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हार्ट की बीमारी, किडनी डिजीज़, गुर्दे फेल होना, स्ट्रोक मतलब के लकवा हो जाना, ऐसी नज़र चले जाना, इस तरह की काफ़ी सारी बीमारियां हैं जहां जहां पे हमारी शरीर के अंदर नाड़ियां हैं उस पर उसको प्रभाव पड़ता है और ये सारी की सारी जो प्रभाव पड़ता है उस करके वो ऑर्गन यानी कि अंग खराब हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लड प्रेशर को आप चेक कराएं, सबसे पहले पता लगे कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर अगर भगवान ना करे किसी को हो गया है तो उसका इलाज कराएं। और तीसरी चीज़, ब्लड प्रेशर से बचा किस तरह जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि किन लोगों को ब्लड प्रेशर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जो लोगों को ओबेसिटी है मतलब कि जिन लोगों का वेट ज़्यादा है, मोटापा है, वो लोग बहुत ज़्यादा इस डिज़ीज़ को होने के ज़्यादा लायबल हैं। दूसरा, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जिन लोगों के माँ बाप या और फैमिलीज के अंदर कोई ये डिज़ीज़ चल रहा है। दूसरा, तीसरा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग सिगरेट पीते हैं, किसी प्रकार का नशा करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा लायबल है। चौथा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है वो लोग बहुत ज़्यादा लायबल है ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के लिए। पांचवा, ऐसा लोग जिन लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल है मतलब कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जो लोग जो खाना है वो फास्ट फूड या जो ज़्यादा फ्राइड फूड्स है ये सब खा रहे हैं, उन लोगों को ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ है कि ब्लड प्रेशर अगर आपको हो रहा है या ब्लड प्रेशर से आप इसके अंदर रेंज के अंदर आ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको अपने शरीर के सारे टेस्ट कराने चाहिए, जैसे कि गुर्दे के टेस्ट हो गए, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के टेस्ट हो गए और सब नॉर्मल जो टेस्ट है वो कराना चाहिए। ECG ये करानी चाहिए, हार्ट डिजीज़ को देखने के लिए ये सब टेस्ट रेगुलरली कराने चाहिए। दूसरी चीज़, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना मोटापा कम करना चाहिए, फ्राइड फूड्स, फैटी फूड्स, जिस तरह के तली हुई चीज़ें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड्स ये कम खाने चाहिए। चौथी चीज़, अपने डाइट के अंदर ग्रीन लीफी मतलब कि हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा खाने चाहिए। उसके बाद ऐसा है कि अपनी रेगुलर एक्सरसाइज मतलब कि 45 मिनट की रोज़ की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी फॉर्म के अंदर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके करके आप ज़्यादा खा रहे हैं, वो भी नहीं ठीक है। अपनी डाइट भी कंट्रोल करें, अपनी एक्सरसाइज भी कंट्रोल करें, उसके करके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कई बार ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रूप में आ जाएगा। अगर भगवान ना करे ये नहीं हो रहा, आपको ये सब चीज़ें करके नहीं हो रहा, नमक कम खा के भी ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल में आ रहा, तो क्या करें? तो फिर आप अपने एक डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए। कई बार ऐसा है ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि गुर्दे की नाड़ी का रुकावट आ जाना, जैसे कि और किस तरह की बीमारियाँ हो जाना, थायराइड हो जाना, और कोई गुर्दे की बीमारी हो जाना, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो रहा है। सो पहले इन सब चीज़ों के टेस्ट कराएं, क्यों करके ऐसे ही अपने आप से दवाई खाने से कई बार गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। हमारे पास कई इस तरह के केसेस आते हैं जो कि इन अप्रोप्रिएट दवाई खाने करके और ही कॉम्प्लिकेशन में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले अपनी ब्लड प्रेशर को एवेल्यूएट कराएं, दूसरा उसके बाद जिस तरह से आपके डिजीज़ प्रोसेस के हिसाब से टेस्ट आते हैं उस हिसाब से अपनी दवाई सेट कराएं। दवाई सेट कराने के बाद भी अपने नियमित टेस्ट कराते रहें, अपने जो टारगेट ऑर्गन होते हैं ब्लड प्रेशर के, जिस तरह ब्लड हार्ट, जिस तरह किडनी, जिस तरह आँखें, जिस तरह ब्रेन, इन सबको बचाने के लिए जो जो आपके शरीर के टेस्ट जरूरी हैं वो जरूर कराते रहें। क्यों करके एक बड़ा कॉमन
ये लोगों के अंदर बिलीव है कि हमने टेस्ट क्यों कराने हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो। ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने का मकसद ये नहीं है कि आप टेस्ट ना कराएं, इसका मकसद है कि यहाँ ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और टारगेट ऑर्गन डैमेज ना रहे, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर ने किसी भी ऑर्गन पे डैमेज कर रहा है वो ना रहे। क्योंकि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होना सिर्फ एक चीज़ नहीं है, इट इज़ ऑल्सो ड्यूरेशन, कितनी देर से आपको ब्लड प्रेशर चल रहा है, कितनी देर से आपके गुर्दे हार्ट रिस्क है, कितनी देर से आपका हार्ट है रिस्क है। इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए आप ये सारी चीज़ें करें और अपनी नियमित तरीके से दवाई खाते रहें। अगर आप इसका असर हार्ट पे देखेंगे तो हार्ट पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा असर हो जाता है, हार्ट का मसल जो है वो बढ़ जाता है, बंदे को सांस फूलने लग जाती है, बंदे को फटीग होने लग जाती है, गुर्दे के ऊपर इसका असर होने लग जाता है, ब्रेन के ऊपर असर होने लग जाता है, आँखों के ऊपर असर होने लग जाता है, हाथ पैर की नाड़ियाँ की किसी भी प्रकार की नाड़ियाँ जो होती है वो उसमें ब्लॉकेज आने का खतरा हो जाता है। तो बंदे को अपनी TMT इको इस तरह के हार्ट के टेस्ट करवा लेने चाहिए, अपना आँखों का स्कैन जिसको के बोलते हैं रेटिना स्कैन ये भी कराना चाहिए कि आँखों पे कितना असर हो गया है, अपने गुर्दे के समानित रूप से टेस्ट करा लेने चाहिए। तो ये इन सब टेस्ट को बोलते हैं इवेल्यूएशन ऑफ हाइपरटेंशन, मतलब कि हाइपरटेंशन के ब्लड प्रेशर के ऐसे टेस्ट जिससे कि बीमारी इवेल्यूएट हो जाती है, तो ये सब तो आपको कराने चाहिए। दूसरा यूरिन का टेस्ट कराना चाहिए जिसमें से कोई प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो चाहे किडनी आपकी क्रिएटिनिन ठीक है डैमेज नहीं, अल्ट्रासाउंड पे नहीं डैमेज आएगी, पर ब्लड प्रेशर ने अपना असर करना किडनी को शुरू कर दिया है, उसके लिए कई सारी दवाइयां हैं जो इन चीज़ों को रोकी जा सकती है। तो ये सब बातें हैं बाद की और इसको कैसे ट्रीट करने की, पर सबसे पहला मैसेज यही है कि इस बीमारी से बचा जाए, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं लगता। बड़े सारे लोगों को पता ही कब लगता है, जब गुर्दे खराब हो जाते हैं, भगवान अगर दिमाग में ब्लीडिंग हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है कि भाई ये ब्लड प्रेशर काफ़ी देर से चल रहा था और पता नहीं लगा, जिसके करके गुर्दे फेल हो गए यंग एज के अंदर, इवन डायलिसिस पे लोग चले गए कि BP बढ़ता था, गलत दवाई खा ली किसी लोकल बंदे से लेके जो कि अनक्वालिफाइड था, जिसको कि पता नहीं लगा और उसके करके गुर्दे और फेल हो। तो मेरा मैसेज आप लोगों से यही है कि अपनी सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है, उसकी संभाल करें, बजाय के अपनी बीमारी होकर दवाई खाने से यू शुड प्रिवेंट, अपने आप को बीमारी से बचाया जाए, बिकॉज हेल्थ इज़ द बिगेस्ट एसेट। अगर आप हेल्दी रहेंगे ठीक रहेंगे तो क्या है कि सारी की सारी चीज़ आपकी ठीक रहेगी, मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक होंगी। सो आज की इस टॉक का जो मेन मेरा मुद्दा था आप लोगों को यही कन्वे करना था कि अपनी अपनी बीमारियों को बचाएं, उसके लिए प्रिवेंटिव अपने चेकअप कराएं, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और सब लोग हेल्दी रहें, और ये डिज़ीज़ को जिस तरह के है जैसे ये बढ़ता जा रहा है इसको कम करने की कोशिश करें, और इवन जो यंग यूथ है, जो हमारे यंग एज के लोग हैं आजकल जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्शन के अंदर या स्मोकिंग अल्कोहल के अंदर पड़ रहे हैं, वो इन चीज़ों को बंद करें, क्योंकि इसका असर जो है वो थोड़ी देर बाद ही होगा जब आप mid-40s में हो जाओगे। सो इसीलिए इन चीज़ों को बंद करके अपना हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली, थैंक्स अ लॉट।